सीबीआई और ईडी की रेड को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में लगी आग अभी ठंडा भी नहीं हुई थी कि ऑपरेशन लोटस को लेकर एक नया विवाद। आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी पर कि करोड़ों रुपए के आधार पर उनके विधायकों को तोड़ा जा रहा है। सीधे हमारे साथ के समाज जुड़े हैं वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता, हम उनसे बात करेंगे। सर, एक बड़ा आरोप है आम आदमी पार्टी का, क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, आरोप लगाना, झूठ बोलना, ये सब केजरीवाल जी की पुरानी आदत है। वो मूल मुद्दे से लोगों को भटकाना चाहते हैं। मूल मुद्दा है शराब घोटाला, लेकिन वो उस पर एक शब्द भी नहीं बोलते हैं, बल्कि दुनिया भर के और प्रपंच किससे कहानी गढ़ने की वो कोशिश कर रहे हैं। जनता पूरी अच्छे तरह से समझती है, सीबीआई के रेड में इस पूरे प्रकरण का आने वाले समय पर पूरा खुलासा हो जाएगा, इनका झूठ पूरी तरह से खुल जाएगा। तो इसलिए इसमें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लोग जानते हैं इनकी फितरत को। जो आदमी अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर कसम खाता हो और फिर उसको उस कसम को तोड़ देता हो, तो ऐसे व्यक्ति की बातों पर कौन भरोसा करेगा? उनका ये कहना है कि ऑपरेशन लोटस लगातार चल रहा है, जिसको लेकर बीजेपी सीधे सीधे पूरे देश में अपना जो है अधिकार प्राप्त करना चाहती है और लोकतंत्र पर करा प्रहार। देखिए, उनको गलत फहमी है और उनको कुछ कारण नहीं मिल रहा है तो इस तरह की ऑपरेशन ये वो दुनिया भर की बातें करते हैं। और जो भी उदाहरण देते हैं, जो लोग भी उस घटनाक्रम को जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, कर्नाटका में क्या हुआ, ये सारे उन्हीं के सत्ताधारी उसमें के पार्टी के अंतर का के अंदर का अंतर कलह था। ये अंतर कलह उनका था, तो वो यदि पार्टियां टूट रही हैं तो उसमें हमारा क्या दोष है? हम एक राजनीतिक दल हैं, यदि टूट रही हैं तो सरकार भी, हम मुख्य विपक्षी हैं वहां, तो हमें यदि अवसर मिलता है तो हम सरकार क्यों नहीं बनाएंगे? तो इसलिए ये कहना, क्योंकि और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, चुनाव में हमको हरा नहीं पा रहे हैं, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का नेतृत्व आज उसको सारा देश जो है उसके प्रति अपनी आस्था रखता है, तो उनको ये लग रहा है कि हम इनको हरा नहीं पा रहे हैं जनता के बीच में, तो इस तरह के झूठे आरोप लगाए। ठीक है, और इसके अलावा सर एक अंतिम सवाल हम आपसे लेंगे कि अब इसके बाद क्या जो सीबीआई और ईडी की रेड पड़ी है उसको लेकर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारे पर पूरी जो जांच एजेंसियां हैं वो कार्य कर रही है? देखिए, ये कहना आसान है, आपने चोरी क्यों की, आप घोटाला क्यों कर रहे हैं? आप यदि घोटाला करेंगे, चोरी करेंगे और आप पकड़े भी न जाए, यदि चीजें सामने आ रही हैं तो उस पर क्या जांच ना हो? ये एजेंसियां किस लिए बनी है? भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, भ्रष्टाचार जो चोरी के आरोप में है, जो भ्रष्टाचार के आरोप में है, जो अन्य किसी आरोप में है, क्या चीजें नहीं निकल रही? बाथरूम में, किचन में, फ्रिज में, सब जगह नोट भरे भरे देश नहीं देख रहा है? कमरे के कमरे नोटों से भरे पड़े हैं, स्टेनगन निकल रहे हैं लोगों के तिजोरियों से। तो मनीष, तो ये करें कि अभी तक कुछ मिला ही नहीं, अब तक इतना बड़ा प्रमाण नहीं मिला, अगर है तो गिरफ्तारी हम दे दें? अब इंतजार करें, जांच एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, उनके पास कुछ प्रमाण है तभी आपके यहाँ उन्होंने छापे डाले हैं। यदि कोई गहने जेवर नहीं है तो ये तो विषय नहीं है, वो तो शराब पॉलिसी पर मामला है ना, आपने कैसे बेनिफिट पहुंचाया है अपने लोगों को, विषय वो है। एक अंतिम सवाल सर, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के विकल्प के रूप में अब देश अरविंद केजरीवाल को देख रहा है, इसलिए बौखलाहट है बीजेपी की। ऐसा है, अरविंद केजरीवाल जी को अपना इतिहास एक बार झांक के देखना चाहिए। वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2014 में गए थे, किस तरह बैरंग वहां से लौटे, इसके बाद अगली बार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ाई नहीं लड़ा हूँ, ठीक है ना। रही बात, और भी उनको इतिहास खंगाल लेना चाहिए, अभी अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, 4 राज्यों में लगभग उनकी जमानत जब्त हो गई है,
तो वो अपना इतिहास देखें, इसके बाद कल्पना सोचें। गुजरात की पूरी दमखम से 2022 में जा रहे हैं, कह रहे हैं 2021 सूरत निकाय चुनाव के बाद हौसला बुलंद है और हम कड़ी टक्कर। हौसला तो उनका हमेशा बुलंद रहता है, ऐसे झूठे आरोपियों झूठे लोगों के हौसले तो हमेशा बुलंद रहते हैं। इनको करना क्या, झूठ बोलना है तो उसके लिए कोई हौसले की जरूरत थोड़ी ना, सच्चाई बोलने के लिए हौसले की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए जो है उनको यदि ये ख्वाब देखना है तो देखें, लेकिन ये अपने पुराने इतिहास जो परिणाम है उसकी भी विवेचना करें और आत्म आकलन करें। किस तरह लोगों ने गुजरात में उनको बायकॉट किया है, उनके फ्री मॉडल को, तो इसलिए उनको इस पर अपना आत्मलोकन करना चाहिए, बाकी विषय में छोड़ देना चाहिए। बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत के लिए। तो वैसे देखना होगा कि ये आरोप प्रत्यारोप का दौर कब थमता है। न्यूज वॉच इंडिया के लिए वीडियो जर्नलिस्ट मान के साथ निशांत चतुर्वेदी, दिल्ली।